हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज संडे है और संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, जो मैंने अपनी रसोई में आज बनाया है। तो मैं आज आप सभी के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दी थी ये मूँग की दाल, और ये ले ली है मैंने सारी सब्जियाँ जो भी मेरे पास थी वो। अब मैंने मिक्सी के जार में मूँग की दाल को डाल लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब सब्जियों को मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। देखिए मैंने बीन्स को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च को भी, ये मैंने चकुंदर बिल्कुल बारीक काट लिया है, इस स्वीट कॉर्न को मैंने 5 मिनट के लिए उबाल लिया था, और ये मैंने गाजर और पत्ता गोभी को घिस लिया है। तो आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो वो सब्ज़ियाँ इसमें यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी मैंने वो सारी सब्ज़ियाँ ले ली हैं। अब इन सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा चढ़ा लूँगी घी। देखिए मैं हेल्थ के पर्पज़ से बना रही हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा मसाले और ज़्यादा चिकनाई यूज नहीं करूँगी। और अगर आपको तीखा खाना है मसालेदार, तो आप उसी हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, और चिकनाई भी आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने घी को गर्म होने के बाद इसमें राई डाल दी है, राई चटकने के बाद मैं इसमें अपनी सब्ज़ियाँ छोड़ दूँगी। सब्जियों को पकाना नहीं है हमें, क्योंकि सब्जियों का क्रिस्पीपन ही इसमें अच्छा लगता है। तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक, धनिया और हींग। मैं सिर्फ इसमें 3 ही मसाले यूज कर रही हूँ। इसमें नमक डाल दिया है, और ये डाल दी मैंने इसमें हींग, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें धनिया पाउडर। और अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके मैं अपनी गैस को बंद कर दूँगी, और सब्जी को इस तरीके से चलाते हुए मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम अपने पेस्ट को तैयार कर लेते हैं चीले बनाने के लिए। तो पेस्ट में मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें हल्दी कलर के लिए। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम अपना नॉनस्टिक पैन ले लेंगे, अगर आप लोहे के तवे पर भी चाहें तो बना सकते हैं। नॉनस्टिक पैन पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया, और देखिए कटोरी से भरकर ये पेस्ट इस तवे पर डाल दिया है। अब देखिए जब इस तरीके से हमारा ये सिक जाएगा पूरा एक तरीके से, तो ये ऊपर आपको दिखने लगेगा। जब अच्छे से सिक जाए उसी के बाद इसको पलटना, नहीं तो ये टूट जाएगा। अभी देखिए बहुत ही आसानी से ये पलट जाएगा, और इसे धीमी धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। अब देखिए नीचे से ऊपर से सिक गया है, नीचे से भी सिक जाएगा, तो इस पर हम सब्जियां लगा देंगे ऊपर से इस तरीके से, और उसके बाद उस पर डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम है, मेयोनीज है, तो वो डाल दीजिए। मेरे पास ताजे दूध की मैंने मलाई ली है, तो ये मैंने मलाई यूज कर ली है, तो इस पर मैंने मलाई डाल दी है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी देखिए नीचे से हमारा अच्छा तरीके से सिक गया है, क्रिस्पी हो गया है, तो इस तरीके से हम इसको पलट देंगे और फोल्ड कर लेंगे, और गर्मा गर्म खाने के लिए सर्व करेंगे। इसे आप हरे धनिया की चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।